तो हेलो फ्रेंड्स, आ गया मैं एक और नई वीडियो के साथ। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, काफ़ी ज़्यादा मेरे को कमेंट देखने को मिलता है कि आप नेक्स्ट सीज़न रैंक पुश करोगे या फिर नहीं करोगे ऐसा करके। तो मैं आपको बता दूं कि मैं नेक्स्ट सीज़न रैंक पुश करने वाला हूँ, और काहे नहीं करेंगे भाई, रैंक पुश करेंगे बिल्कुल। अब ये तो रही रैंक पुश की बात, अब इस टाइम पे मेरे ग्रुप में देखोगे तो विकाउट DCM 999 खड़ा हुआ है। ये है पुष्पा, मतलब ये पुष्पा की आईडी है। अगर आप पुष्पा को नहीं जानते हो तो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। पुष्पा वो बंदा है जिसकी वजह से आज आप मुझे सोलो किंग के नाम से जानते हो, मतलब इसके बिना वो चीज पॉसिबल ही नहीं था। सीजन 34 में जब मैंने ओनली सोलो गेम खेलना स्टार्ट किया और रीजन लगाया ओनली सोलो खेल के, बहुत खूब, तो उस टाइम पे पुष्पा ही मेरे आईडी से गेम खेलता था। मैं और पुष्पा बस मेरे आईडी से गेम खेलते थे। मैं लगभग 15 घंटा गेम खेलता था 24 घंटे में से, और बाकी का 7-8 घंटा पुष्पा गेम खेलता था। और इतना ज्यादा गेम खेलने की वजह से जब मैं बीमार पड़ा ना, तो फिर उसके बाद एंट्री होता है लेजर का, फिर उसके बाद लेजर को आईडी दिया, तो फिर हम तीनों लोग रैंक पुश करना स्टार्ट किए। और अभी तो लेजर के लिए एक फोन भी लिए, क्योंकि उसका फोन वगैरह चल नहीं रहा था अच्छे से, तो उसके लिए एक फोन भी ले दिए। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? और पुष्पा तो अभी गेम वगैरह नहीं खेलता है, क्योंकि वो जॉब जो है वो ज्वाइन कर लिया, तो जॉब में जाता है। तो अभी मैं, लेजर और एक दो बंदे और आ गए, उनके बारे में फिर कभी बताऊंगा। तो अब देखो, पुष्पा बहुत दिन बाद गेम में ऑनलाइन आया था, तो ये बोला चलो DCM भाई वन वी वन करते हैं, मतलब कस्टम खेलते हैं। मैं बोला भाई मैं तो कस्टम खेलता ही नहीं हूँ, मेरे को आता ही नहीं है, तू तो मेरे को 7-0 से पीट देगा, हरा देगा, छोड़ो यार। तो इसको मैं बोला कि चलो एक काम करते हैं, रैंक मैच स्टार्ट करते हैं डुओ में, जो ज्यादा किल करेगा वो विनर माना जाएगा, मतलब ये चैलेंज कर सकते हैं। तो ये भी मान गया, तो फिर हम लोग डुओ में मैच स्टार्ट कर दिए। तो अभी देखते हैं कि सबसे ज्यादा किल किसका रहता है इस वाले गेम में। अब वैसे तो लगता है मैच स्टार्ट होने में टाइम लगने वाला है, तो आ जाओ सीधा अभी मैं आपको गेम के अंदर ही लेके चलता हूँ। ओके, तो चलो फाइनली यार इस टाइम पे देखोगे तो अपना मैच तो स्टार्ट हो चुका है, और इस टाइम पे हम लोग जाने वाले हैं ब्लू जोन में। तो वहाँ पे मैंने मार्क तो लगा दिया है, और इस टाइम पे आपको एक बात बता देता हूँ, हो सकता है बैकग्राउंड में आपको कबूतर का आवाज़ सुनने को मिल सकता है। जो मेरा बहुत पहले से वीडियो देख रहे हैं उनको पता होगा, पहले की वीडियो में हमेशा मेरे वीडियो में कबूतर का आवाज़ आता था, तो अभी नहीं आता है, लेकिन आज आ रहा है, क्योंकि आज मैं अपने पुराने घर में आके वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसकी वजह से हो सकता आएगा, क्योंकि वो लोग थोड़ा इधर उधर कर रहे हैं, बाकी वो सबको इग्नोर करना। अब इस टाइम पे देखोगे ना तो ब्लू जोन में एक भी बंदा नहीं आ रहा है भाई, स्कैनर में तो मेरे को एक भी बंदा नहीं दिख रहा है, मतलब 2-4 बंदे आते तो स्टार्टिंग में 2-4 ओके बंदा आ रहा है भाई, किल निकल जाता ऐसा बोलने वाला था, बट बंदे तो आ रहे हैं यार। भाई ये लोग तो कहीं और ही जा रहे हैं, इधर नहीं उतरे भाई, पता नहीं यार इधर आए कि नहीं, लेकिन स्कैनर में बंदा तो दिखा था बट इधर नहीं आए मेरे ख्याल से। जो भी है चलो इधर से लूट वगैरह करते हैं, और थोड़ा बहुत मैंने लूट वगैरह किया, बंदा भाई इधर आया ही नहीं था, मतलब वो लोग उधर सामने के साइड पे उतर गए, उधर फाइट चल रहा है, स्टार्ट हो गया है, देख सकते हो फाइट नहीं हो रहा है, ये दो बंदे और दोनों आपस में इधर उधर फायर कर रहे थे मेरे ख्याल से, क्योंकि फाइट होता तो भाई अभी तक होता ही रहता, बट नहीं हो रहा है फाइट। तो चलो इन पे ना रस ही करते हैं, मेरे पास ट्रोगन है, लगता है ये दोनों के दोनों बंदे घर के ऊपर है, वैसे मैंने रस तो मार दिया है। भाई ट्रोगन कितना कम डैमेज आ रहा है भाई, मतलब कभी कभी ट्रोगन बहुत ज़्यादा खतरनाक चलती है, लेकिन कभी कभी भाई डैमेज नहीं करती। वैसे थोड़ा सा लॉन्ग रेंज भी हो गया था मेरे ख्याल से ट्रोगन के लिए, और डैमेज तो दिया था भाई, दोनों बंदों को मैंने डैमेज दिया था। ओके, तो चलो एक बंदे को तो मैंने डाउन कर दिया, ये बंदा ना काफ़ी डैमेज था भाई पहले से ही। भाई इस बंदे को क्या डैमेज गया भाई, M14 का 60 का उसको डैमेज गया था भाई, मतलब उसके पास वेस्ट नहीं रहा होगा अच्छा खासा। जो भी है भाई M14, मतलब 4 गोली मारो बंदा खत्म हो जाएगा। ओके, एक बंदा उतर रहा है उधर के साइड ही, एक काम करते उधर ही चलते, वैसे मेरे 2 किल तो हो चुके हैं, पुष्पा इधर किल किया है कि नहीं पता नहीं। और हाँ एक बात और, मैं पुष्पा बोल रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि इसका रियल नाम पुष्पा है, ये तो बस अल्लू अर्जुन का पुष्पा मूवी का फैन है, इसलिए इन गेम नेम अपना पुष्पा ही रखता है। मेरे को इसका पहले रियल नेम नहीं पता था, बट अभी पता है, मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि काहे फालतू में इसका प्राइवेसी लीक करे, तो नहीं बताऊंगा, बट इसका नाम पुष्पा तो नहीं है। ओके, इधर एक बंदा जो उतरा था भाई, उसको मैं काफ़ी ज़्यादा ढूंढ रहा था, बंदा दिखा ही नहीं, तो इधर ना ये जो है वो डाउन कर देता है इस वाले बंदे को, और ये बंदा दिमित्री ऑन कर देता है। अब देखो इस टाइम पे मैं क्या करने वाला हूँ, अब इसको मैं सोच रहा था रिवाइक होने देता हूँ, उसके बाद मारूंगा, और लिटरली भाई इस टाइम पे इसका एक किल मैंने चोरी कर लिया भाई, और इसी के साथ मेरे 3 किल भी कंप्लीट हो चुके हैं। तो फिर चलो अब यहाँ से किसी और प्लेस में चलते हैं, क्योंकि इधर कोई बंदा नहीं होगा। अब इस टाइम पे देखोगे तो मैं थोड़ा सा ऊपर के साइड पे आया, और इधर चल रहा था फाइट, अब इधर मैं आगे की तरफ जा रहा था, इस टाइम पे देखो मेरे साथ क्या सीन होता है भाई, मैं गन लेने के लिए हाथ को फायर कर रहा था, मतलब क्या बोलो यार, थोड़ा सा मूवमेंट वगैरह इधर उधर हो गया था,
बट एक बंदे को तो मैंने डाउन कर दिया था, मतलब डाउन करके फिनिश कर दिया। वो बंदा भाग रहा था भाई इधर से, और इधर तो फाइट चल रहा था यार, मतलब फाइट शांत हो गया, मतलब एक आध दो बंदा बचा होगा। ये बंदा तो झाड़ी बना हुआ है भाई। ओके तो चलो इस वाले बंदे को तो मैंने जैसे तैसे करके फिनिश कर दिया भाई। जो भी बोलो, अभी मेरे को ट्रोगन चलाने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रही इस वाले गेम में। कभी कभी काफ़ी ख़तरनाक चलता है और मज़ा भी आता है, लेकिन वो होता है ना कभी कभी मज़ा भी नहीं आता है, तो इस वाले गेम में वैसा ही सीन हो रहा है मेरे साथ। मेरे को M10 मिलेगा तो M10 से स्विच कर लूँगा। अभी इस टाइम पर मैंने एक मिशन तो लिया हुआ है और मेरे 5 किल भी कम्प्लीट हो चुके हैं। पुष्पा का पता नहीं कितना किला, जब किला आएगा उसका ना तब पता चलेगा कि उसका कितना किल हुआ है। बट यहाँ पे सामने के साइड पे बंदा तो दिख रहा है, मतलब दिख नहीं रहा है, मिशन वाला बंदा उधर के साइड ही है। तो चलो इधर के साइड ही चलते हैं भाई। उसको किसी और ने मार दिया भाई। अब उसको मारने वाला पता नहीं किधर के साइड पे होगा, बट इधर बंदे तो इतना मेरे को पता है क्योंकि मिशन वाले बंदे को मारा है तो आसपास ही बंदे होंगे। तो एक काम करते हैं भाई, इधर से फायर दे रहा है भाई। यार इस बंदे को क्या रेड नंबर लगा भाई, वो भी इतना लॉन्ग रेंज में है बंदा, फिर भी उसको 3 हेड लगा। स्टार्टिंग में 1 शॉट उसको बॉडी शॉट लगा था, उसके बाद 3 रेड नंबर लगा और बंदा फिनिश हो गया। अब इधर ये वाला मैं मशरूम तोड़ दिया लोकेशन वाला, और सामने के साइड पे मेरे को 2 बंदे का लोकेशन पता लग गया और उनको तो जोन में आना ही पड़ेगा। तो अभी वेट करते थोड़ा सा, जब वो बंदे आएंगे तब उनको मारेंगे। एक बंदा इधर आ रहा है। ओके चलो ये वाला बंदा डाउन हो चुका है, का टीममेट इधर है। अब ना एक काम करते हैं, मैं चाहूँ तो डाउन वाले बंदे को फिनिश कर सकता हूँ, बट ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि उसका टीममेट उसको रिवाइव करने आएगा भाई। वो गाली दे दे के बुलाएगा, मैं रिवाइव हो जाऊँगा, आ जाओ ऐसा करके पेड़ के कवर में ऐसा बोलेगा। बट भाई उसके इसी चीज़ का हम फायदा उठाएंगे, जब वो बंदा उसका दोस्त आ गया तब उसको भी मारेंगे। ये देखो भाई, बोला था ना मैं वो बंदा रिवाइव करने आएगा भाई, क्योंकि भाई मैं भी ऐसे ही करता हूँ। जब मैं डाउन पड़ा रहता हूँ, बंदा सामने वाला अपोनेंट वाला बंदा मेरे को जब फिनिश नहीं करता है, तो मैं भी अपने टीममेट को चिल्ला चिल्ला के यही बोलता हूँ कि रिवाइव हो जाऊंगा, आ जाओ मेरे को रिवाइव कर दो। अब इस टाइम पे देखोगे तो मेरे टोटल 8 किल कम्प्लीट हो चुके हैं। पुष्पा राज का कितना किल है वो तो मुझे नहीं पता है। ओके पीछे बंदा है भाई, ये किल मेरा गया भाई। चलो हिसाब बराबर हो गया, 4 किल हुआ है भाई पुष्पा का, तो उससे मैं डबल हूँ भाई, मतलब मेरे 8 किल हो चुके हैं। बट इस टाइम पे मेरा किल तो चोरी हुआ है, कर्मा है भाई, उसका 1 किल मैंने चोरी किया था, तो अभी हिसाब बराबर हो गया, उसने मेरा 1 किल चोरी कर लिया क्योंकि उस वाले बंदे को मैंने लिटरली बहुत ज़्यादा डैमेज दिया था। अब इधर एक और बंदा दिखा, इसको तो मैंने काफ़ी इजीली डाउन कर दिया और फिनिश भी कर दिया। इधर राइट साइड पर भी बंदा दिखा था, स्कैनर में 2 बंदे हैं भाई। चलो इसको भी मैंने जैसे तैसे करके डाउन तो कर दिया, बट इस वाले बंदे ने लिटरली मेरे को हेडशॉट मारा था, काफ़ी ज़्यादा मेरा हेल्थ डाउन कर दिया, और इसी के साथ मेरे टोटल 10 किल भी कंप्लीट हो चुके हैं भाई। M14 क्या चल रही है यार। इधर के साइड पे बंदा तो है भाई, 2 बंदा स्कैनर में दिख तो रहा है बट मेरे को शो नहीं कर रहा है। ओके उधर ही है एक बंदा पेड़ के पास, चलो इस वाले बंदे को भी मैंने डाउन कर दिया। अब फिर से वही ट्रिक यूज़ करेंगे, सामने वाला बंदा भाई रिवाइव करने आ रहा है यार, लेकिन अफसोस इस बार मैं इस बंदे को मार नहीं पाऊंगे। काम करते ये लॉन्चर मारते छोटू को, मर जा भाई। चलो फिर से डाउन हो गया बंदा, और देखते ही देखते वो दोनों बंदे FGL से मर गए भाई। मतलब क्या बोलो यार, किल मिल गया भाई, 2 किल मिला वो भी यार एक साथ ही, मतलब मज़ा आ गया, और मेरा एमओ भी ख़त्म हो गया। बट क्या ही कर सकते, 2 किल तो मेरे को मिल चुका है और मेरे टोटल 12 किल हो चुके हैं। 12 बंदे अलाइव है, 1 बंदा भी अब भी मर गया भाई, बोलते साथ ही नहीं तो 12-12 था। और मेरे ख्याल से ना पुष्पा का तो अभी तक 1 भी किल नहीं आया है, उसका 4 का 4 ही किल है जहां तक मेरे को लग रहा है, और 4 बंदे मैंने मार दिया भाई। 12 किल हो चुके हैं, 8 से 12 हो चुके हैं, अभी और बंदे देखते हैं। इधर के साइड पर बंदा होना तो चाहिए भाई, किधर है भाई सारे बंदे, इसको तोड़ते हैं भाई। 2 बंदे इधर ही है यार। ओके चलो इसको हेडशॉट मार के डाउन तो कर दिया, इसका टीममेट रिवाइव करने आएगा इसको, तब इसको मारेंगे। ये ना घर के ऊपर है मेरे ख्याल से, उसको आने देते हैं थोड़ा सा। ये देखो भाई, ये ट्रिक यूज़ तो कर रहा है यार, मतलब काम कर रहा है, यूज़ मैं कर रहा हूँ ट्रिक का, और काम वर्क तो कर रहा है भाई, मज़ा आ गया। और 14 किल हो चुके, पुष्पा डाउन हो चुका है भाई, मतलब वो फिनिश भी हो गया। अब इस टाइम पे मेरा मन किया कि क्यों ना स्कार चलाया जाए, क्योंकि स्कार से मस्त वाला हेडशॉट लगता है, तो स्कार मैंने उठा लिया है। और अभी चलते हैं पुष्पा को रिवाइव करने के लिए। वैसे इधर आसपास वेंडिंग मशीन भी नहीं है भाई। ओके उधर के साइड पे एक पिंक वेंडिंग मशीन मेरे को दिख रहा है, तो एक काम करते हैं, लॉन्च पैड उधर के साइड पे तो नहीं जाएगा, वैसे मेरे पास मिनी लॉन्च पैड भी होना चाहिए, 1 है, तो चलो इसका यूज़ करके इसको ना रिवाइव कर देते, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि लास्ट में ये मेरे को बहाना दे, मतलब तुमने मेरे को रिवाइव नहीं किया उसकी वजह से मेरा किल नहीं हो पाया लास्ट में, इसलिए मैं हार गया भाई। यहाँ पे एक बंदा है भाई,
मैं सोच रहा था इसको मार के इसको रिवाइव करूंगा, बट वो बंदा ग्लू वॉल लगा लिया भाई, पीक ही नहीं दिया यार। लिटरली इसको मैं हेडशॉट मारूंगा ऐसा सोच ही रहा था, क्योंकि स्कार अभी मैं उठा के लाया हूं तो कॉन्फिडेंस लेवल एकदम हाई है, ओनली रेड मारूंगा ऐसा, बट वो बंदा पीक ही नहीं दिया यार, तो क्या ही मारूंगा। चलो पुष्पा को तो मैंने रिवाइव कर दिया, दो बंदे है भाई ये लोग तो, मेरे को लगा एक ही बंदा है, दो बंदे है भाई। पुष्पा भी इधर ही उतर रहा है, इसको मैं बोला इधर ही आ जा। चलो एक बंदे को तो डाउन कर दिया भाई, तुरंत से इसको फिनिश भी कर देते हैं। एक और बंदा इधर है, चलो पुष्पा ने उसको फिनिश कर दिया भाई, और उसका 5 किल है मेरे ख्याल से, 5 किल दिखा क्या, जो भी है, लेकिन मेरे जितना तो किल नहीं होगा भाई, मेरे 15 किल हो चुके हैं भाई इस टाइम पे। और अभी बंदे देखोगे तो 6 बंदे अलाइव है, जिनका लोकेशन अपने को बिल्कुल भी नहीं पता है कि आखिर वो बंदे है तो है कहाँ वो के। चलो लोकेशन पता लग गया भाई, इधर अभी एक बंदा उड़ के आया, मतलब हवा से आया है, मतलब दो बंदे तो इधर होने चाहिए, क्योंकि एक बंदा उधर रिवाइव किया है तो वो बंदा उसके पास ही उतरा होगा। तो 15 किल हो चुके हैं, और कितना किल मिलेगा, सामने ही एक बंदा है भाई। चलो इसको थोड़ा बहुत हेड और बॉडी मार के डाउन कर दिया, और इसका टीममेट इसको रिवाइव करने के लिए बेचारा जा रहा था भाई, इसको भी ट्रोगन से फिनिश कर दिया, और इसी के साथ मेरे टोटल 17 किल कम्प्लीट हो चुके हैं। ओके एक बंदा मेरे को उधर के साइड पर दिखा तो है, वो बंदा है कि क्या है मेरे को नहीं पता, बट ऐसा मेरे को लगा कि इधर बंदा है। ओके इधर ही बंदा है भाई, ये देखो मेरे को लगा ही था इधर बंदा है। चलो इसको भी हेडशॉट मार के डाउन कर दिया, इसका टीममेट इधर है, और इसको भी हेडशॉट के साथ फिनिश कर दिया भाई, मजा आ गया भाई। मतलब क्या किल निकाला यार मैं, मतलब 19 किल हुआ है भाई मेरा, 29 का प्लस लगा है, वो बात अलग है क्योंकि मिशन वगैरह हम लोग नहीं किया, नहीं तो ज़्यादा प्लस मिलता। और इसका किल देखोगे तो 5 किल है भाई, इससे 4 गुना ज्यादा किल किया हो भाई, 1 किल और रहता तो मेरा 20 किल भी हो जाता यार। काश मेरे फोन में टीममेट का साउंड रिकॉर्ड होता तब मजा आता भाई, आपको इसका रिएक्शन देख के मजा आया रहता, बट क्या ही कर सकते यार, टीममेट का साउंड ही रिकॉर्ड नहीं होता है। और मेरे ख्याल से टीममेट का साउंड जो है वो आईफोन में होता है, या फिर पीसी प्लेयर लोग रिकॉर्ड कर सकते है भाई, लेकिन अपन तो एंड्रॉइड वाले, बट क्या ही कर सकते। यही था आज का वीडियो, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा तो आपको दिल से धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।